हेलो सो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम आपको बताने वाले, जैसे कि आप सब मेरा डिस्कॉर्ड ऐप मतलब सर्वर देख ही रहे होंगे, तो जैसे कि डिस्कॉर्ड के सर्वर में मैंने मतलब एक और चैनल बना रखा है, जिसमें मतलब वीडियो की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उस पर आप कंसल्ट कर सकते हो। तो जस्ट मेरे को मतलब किसी ने पूछा था कि भाई उसी टॉपिक पे बना लो कि भाई एक्सचेंज वाला जो इवेंट आ रखा है तो इसको कैसे कंप्लीट करें। ये जस्ट किसी ने पूछा था क्या इवेंट्स वगैरह का कंप्लीट करना है क्या नहीं करना है। तो चलो यार मैं आ गया हूँ, तो मैं बता देता हूँ इस वीडियो में आपका सारा कुछ इस इवेंट के बारे में, कि क्या क्या आपको कंप्लीट करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। बाकी देखो प्राइस वगैरह आप अपने हिसाब से रख लेना जो करना हो, ठीक है। बाकी तो मैं बता ही दूंगा क्या करना है, कौन सा टास्क लेना है नहीं लेना है, अकॉर्डिंग टू यू, समझ गए। तो चलो ज़्यादा नहीं करते, वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं। देखो चलो इसमें जाते हैं, जो भी अपना प्राइस वगैरह है वो आप एक्सचेंज वाला सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल मिनिमम सी क्या बात आती है, आपको पहले 300 करने हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मतलब 4 राउंड है टोटल आपके पास, ठीक है। तो 4 राउंड तो आप यार अगर एज अ P2P कहूँ तो कंप्लीट कर पाओगे, F2P थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कर सकते हो, बट ये पूरा टाइम फोकस देना पड़ेगा। अब देखो जैसे कि ऊपर पहले में है तो वो क्या है भाई, टोटल माइट मेरे को इंक्रीज़ करनी जो कि 580K होगा, मतलब 580 लाख, ठीक है। तो यहाँ कर सकता है, नेक्स्ट नीचे में देख सकते हो, तो भाई हीरो का स्टेज कंप्लीट करना पड़ेगा, STA का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब तो ये भी इजीली आप कर सकते हो, आपके पास ऑलरेडी होगा ब्रेव हार्ट्स तो उसको यूज़ करोगे तो एक ब्रेव हार्ट से 120 मिलता है, तो दो ब्रेव हार्ट से जोड़ लो कितना होगा 240, ऐसी करके भाई 420 बनाने। उसके बाद यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ 3 दिन का मतलब भाई 3 दिन का स्पीड अप्स यूज़ करना, चाहे मैं रिसर्च वाला करूँ चाहे नॉर्मल करूँ। उसके बाद नीचे देख सकते हो क्या मर्जिंग पैक, तो चलो यार देखते हैं अभी क्या है इसमें। 580K चाहिए तो देखते हैं क्या करता हूँ मैं, मेरा रिसर्च वगैरह कहाँ जा रहा है, जस्ट चेकआउट कर लेता हूँ। तो रिसर्च मेरा अच्छा जी, तो चलो रिसर्च देख लेता हूँ कितने MBKB मतलब MBKB का है, तो जस्ट यहाँ गया और ये कहाँ, यहीं चल रहा है, तो 580 था तो ये 202 ही हो पाएगा, मतलब बहुत लंबा थोड़ा मेरे को रिसर्च करना पड़ा। चलो मैं करके देख लेता हूँ, इसको भी लात वात मार देता हूँ, थोड़ा ख़त्म कर दिया, ठीक है मैंने, तो यहाँ से मैंने लगभग ख़त्म कर दिया। अब 200 मतलब 63 है ना, बट मेरे को कितना चाहिए अभी जस्ट मैं चेकआउट कर लेता हूँ जाकर, कहाँ गया भाई। और हाँ गाइस यार एक और नया गेम मैंने फाइंड आउट किया है, तो अभी 220 हुआ है, मेरे को चाहिए आई थिंक 370 72 72, हाँ 378 चाहिए है ना, तो मतलब अभी और 550 मतलब 400 मान लो और चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया नया गेम फाइंड आउट किया, उसकी वीडियो भी आपको जल्द ही मतलब मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे। तो चलो अब देखते हैं, अब थोड़ा रिसर्च ट्री देखते हैं, थोड़ा बड़ा सा लगा तो पाएंगे नहीं, तो एक काम करते हैं हम इसको लगाएंगे तो भी 169, बट यही है जिस थोड़ा सा ज़्यादा दे के जाएगा हमें। तो ये 263 तो दे के जा रहा है, बट हमें चाहिए 300 आई थिंक, मतलब 100 और क्रॉस करना पड़ेगा, तो चलो कोई नहीं वो भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैंने हेल्प के लिए किया, और हाँ अब ये देख लो एक फैमिलियर है जिसमें वो हेल्प टास्क पूरा कैसे फिल कर देता वो देख लेना, ठीक है। कहाँ ये रहा, इसको कंप्लीट कर दिया पूरे 30 के 30 हेल्प टास्क भर गए, कहाँ गया रिसर्च वाला भाई। तो देख सकते हो यहाँ पे 30 कंप्लीट होगा, तो चलो फिर से ऑटो में मार देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो अब पता है क्या, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो पहला क्या होगा देखो, यहाँ पे पहले तो 65 है तो मेरे को चाहिए 115 और, ठीक है। तो पहले 115 प्लस में मतलब कुछ बड़ा रिसर्च ही हमें ढूंढना है, छोटा नहीं ढूंढना, नहीं थोड़ा छोटा ही ढूंढना पड़ेगा जिसमें 115 का हम यूज़ कर सके। तो 189 का है ये, है ना, तो देखो गियर वाला कर रहा हूँ 140, चलो इसको कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी देर मैं वेट करता हूँ, जब तक थोड़े मेरे को हेल्प मिलता है तब तक वीडियो को रोकता हूँ। तो भाई यार 1-1.5 मिनट हो चुके हैं और अभी तक भाई ज़्यादा कुछ आए, तो मैं चल कोई नहीं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको ख़त्म किया, मेरे पास मैसेज आ चुका है तो मैंने इसको कर लिया है, ठीक है। तो इससे गाइस ये बता सकते हो, जितना कम देखो ऐसे तो आपके पास 4-5 मिलियंस वाले भी आ जाएंगे, तो उसको फोकस ज़्यादा नहीं करना। आप जैसे इसमें ब्रेवार्ट यूज़ करना तो 420 करना, तो देखो मैं ये भी कैसे जल्दी जल्दी कर देता हूँ, 420 ब्रेवार्ट्स में लगाता हूँ, ठीक है। इस पर देखो जस्ट पहले क्या था, अभी मेरे पास ऑलरेडी जो भी है उसमें से 9 मैंने यूज़ किया, तो 12 नीम कितना होता है 108 है ना, हाँ तो 108 ब्रेव आउट मैंने यूज़ कर लिया। फिर 120 आपको पता डर के यहाँ से आएगा, तो जल्दी जल्दी क्लिक करके 120, फिर 120 240 अराउंड 300 हो चुका है, जस्ट एक बार योर करूँगा तो हो गया, देख सकते हो तो ये भी कंप्लीट कर दिया मतलब मैंने, ठीक है। तो
तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ऐसे देख लो, आप भी अपने हिसाब से जो आपको लगता है कंप्लीट कर पाओगे तो वो सारे आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ क्या है, 3 दिन का स्पीड अप, तो जस्ट इसको भी आप इजीली ले सकते हो। बड़ा कोई भी रिसर्च वगैरह करा लो या कंस्ट्रक्शन में लगा दो, है ना, जहाँ पे आप इतना यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, 5 डेज़ का है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके मतलब गेम प्ले करूँगा, क्योंकि 5 डेज़ का है। अभी क्या है, अब मेरे को 3 दिन का करना है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन का अभी 9 लाख मतलब, हाँ, 90,000 कुछ, 95,000 मतलब जेम्स यूज़ करके मैंने गोल्डन वाला हैमर ख़रीदा था, तो कंस्ट्रक्शन लगाया। तो इसमें ज़्यादा नहीं, मैं 1-2 दिन का यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि 3 दिन का करना है ना, तो 2 दिन का इसमें कर लेता हूँ और बाकी रिसर्च में कर देता हूँ। है ना, बाकी रिसर्च मैं करता हूँ थोड़ा, देखते हैं कहाँ है भाई रिसर्च। तो यहाँ पे जस्ट 1 ही दिन का तो मेरे का रह गया है, बाकी तो चलो कर दिया मैंने, तो 3 दिन का ये सक्सेसफुली हो चुका है, तो ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद हम थोड़ा नेक्स्ट आउट चलते हैं, तो भाई ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या है, मर्जिंग पैक्ट, तो 80 पैक्ट को मर्ज करना, तो उसके लिए भी चलते हैं हम। पहले क्या कर लेते हैं, गियर चेंज करते हैं, तो मैंने फैमिलियर वाले गियर लगा दिए। अब देखो 80 पैक करने, तो यार लेवल 1 के ही करना बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, तो है ना। तो जस्ट मैंने लेवल 1 का किया जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ, ठीक है, आपसे मिलता हूँ 80 का, नहीं कर ही देता हूँ, छोड़ो आप सबके सामने क्या टाइम लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा, तो मेरे को 8 बार करना जल्दी से जल्दी, 8 बार से कम ही होगा आई थिंक। वैसे ये सब जब आप करते हो ना, तब एक चीज़ का और फोकस कर सकते हो आप, जैसे कि अभी कंप्लीट करते वक्त ये चीज़ देख सकते हो, हेली इवेंट वगैरह में क्या चल रहा है, तो कई बार क्या होता है ना, इसके साथ साथ आप हेली इवेंट वगैरह भी कंप्लीट कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत इजी रहेगा, समझ गए। तो अब आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैंने गिनती नहीं किया कितनी बार कर दिया है, बट मुझे लगता है अब हो जाएगा। नहीं हुआ यार, ये तो चीटिंग कर रहा है मेरे साथ, गलत बात है यार, मैं इतना इतना थोड़ी ना यूज़ करने जाऊँगा। है चलो हो चुका है, तो अब मैं इसको लगा देता हूँ पैक्ट 4 पे, अभी नहीं लगा तो क्या पता यही आ गया हो सेम चीज़, है ना। तो ये भी मैंने कलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हो मैंने आपके सामने बैठे बैठे 8 बस इतना ही पॉइंट्स बनाए, तो अभी इनको आने में थोड़ा टाइम है, वेट करते हैं जब तक। देखो मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे आप सबको करना है क्या। देखो नॉर्मली कई जैसे P2P होते, तो उनके में क्या होता है, पैक वगैरह परचेस करने पर होते, जो कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है और अभी 80 पॉइंट्स बनाया, वही P2P होता तो जस्ट क्या करता, वो एक ही बार 2 पैक परचेस करता, 100 पॉइंट्स बन जाता। तो P2P का थोड़ा ज़्यादा इवेंट्स हो जाता है पैक वगैरह परचेस करने से, या कोई इलाइट लेवल थिंग वगैरह प्ले करने से निकल जाता है। और F2P को क्या होता है, ऐसे ही छोटे छोटे इवेंट कंप्लीट करने पड़ते हैं, जेम्स वगैरह हाँ आते हैं थोड़ा, 6-7 मिलियन वाले पावर इंक्रीज़ करने वाले माइट, उसमें थोड़ा पॉइंट ज़्यादा मिल जाता है, तो ये बात होती है। और अगर P2P हो तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं, आप प्लस पर क्लिक करके, यहाँ 300 कुछ रुपये का शायद आई थिंक आता है 50, क्योंकि मेरे पास तो डायमंड है, तो टोटली मनी का तो बता नहीं पाऊंगा, तो डायमंड देख रहा है तो मतलब 300 डायमंड का होगा आई थिंक, 50 कॉइन्स। देखो यार जैसे कि अभी फिर आ गया है, तो भाई इनकाउंटर एवरीथिंग गाइडलाइन वो भी 2 टाइम्स करना, तो इसको भी मैं गाइडलाइन करके आ सकता हूँ, चलो मैं करके आता हूँ, 2 बार ही तो करना है ना। तो ऐसी हम छोटी छोटी चीज़ें लेकर कंप्लीट कर सकते हैं,
ठीक है। प्लस में क्या होता है कि यार अभी कई बार मोस्टर हंट्स का भी आ जाता, तो चलो लाइव आप देख ही लो थोड़ा होता क्या है मेरे साथ। तो जैसा कि देख रहे हो यार फिर से मेरे को मिल चुका है, मतलब ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब देखते रहते हैं इस मैच में करना क्या है। मेरे पास पूरे जितने भी थे अमाउंट ठीक है, तो अभी हमको करना क्या है, बस दो बार भाई जेमिंग ग्रेमलिन से मिलना है, ज़्यादा तो मिलना नहीं है, तो दो बार के लिए देखते हैं जेमिंग ग्रेमलिन कितना ड्रामा दिखाता है यार। है यार ड्रामेबाज है थोड़ा सा, है ना, क्या करें यार, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो ड्रामा ही करेंगे, बिना ड्रामा को उनका पेट ही तो नहीं भरता, बाकी तो बात की बात है। चलो कोई बात नहीं देखते हैं। तो यार ये बात तो अच्छा, डिवाइन आ जाता है थोड़ा बहुत तो हेल्प करके चला जाता है ना। आए है मेरा बॉस आ गया, चलो काउंट करो जल्दी जल्दी कितना चांस मिला, जल्दी काउंट करो जल्दी 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 जल्दी, बहुत स्पीड है जल्दी जल्दी जल्दी। अः नहीं कर पाए, चलो कोई नहीं, वीडियो को स्लो करके काउंट कर लेना, बहुत अच्छी बात है काउंट वगैरह करके रखते हो, तो अभी एक बार मिला, एक बार और मिलना रह रहा है, तो चलो वेट करते हैं एक बार और का, देखते हैं ये कितने टाइम में देता है, टोटल कितना कितना ख़त्म होता है। तो फिर से ब्लेसिंग आ चुकी है, बढ़िया है भाई, ब्लेस कर रहे हैं हमें, बढ़िया, करते रहने दो करते रहने दो। ए ब्लेसिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो गई है, चलो कोई बात नहीं, आई थिंक अब तो आना ही चाहिए जैमिंग ग्रिमलिन, तो आ ही जाएगा अब, कोई बात नहीं देखते हैं क्या करता है। चलो जैमिंग ग्रिमलिन आ गया, मिलते हैं इससे, नहीं आए जब तक क्या, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ जब तक अभी दूसरा इसके आता बाद है तो आ ना। जा, अब पक्का आएगा, चलो 100% 12000 शोरूम एचपी में पे आएगा, चलते हैं आएगा सीधा, आएगा आएगा, आ गया, आए सही में आ गया, इसको 6 ही यूज़ कर देंगे तो 12000 हो जाएगा, जो कि मैं इस पे करने वाला हूँ, 6 दूनी 12, बस। तो ये कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे फैमिलियर हैं, अनलॉक करना सारा रह रहा है मुझे। तो ये भी मैंने कलेक्ट कर लिया, बाकी आप तो समझ सकते हो थोड़ा बहुत करते रहना, ज़्यादा बड़े बड़े टास्क मत लेना ठीक है, छोटे छोटे टास्क लेना वही बहुत है यार। जैसे अभी मैंने छोटे छोटे टास्क लिए, तो अभी मैंने जब इतनी जल्दी इतना सब कुछ कर सके, 160 पॉइंट बना दिए, अभी 10 मिनट के अंदर मैं चाहूँ तो 300 पॉइंट्स भी बन जाएंगे ईजिली, और ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है। जैसे कि आपने देख लिया 160 पॉइंट्स में कितना लगा, ज़्यादा मेरा पता है जो लगा तो मेरा थोड़ा होली स्टार ही लग गया था, जो कि कितने लग गया देखता हूँ अभी, क्योंकि मैंने जस्ट 5 साढ़े 5 लाख, तो मतलब 9000 होली स्टार मेरा लग गया था दो बार में भी, जस्ट 9000 में 9 जो भी था ठीक है। तो बाकी आप समझ गए इस इवेंट को कैसे करना है, तो यार जैसा जो आपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे वो ले सकते हो, मैं तो जस्ट दिखाने के लिए आपको जो मर्जी ले रखा है यहाँ पे, बट ठीक है डार्क मैजिस्टर वाला चेस्ट लिया है तो मैंने, अच्छी बात है, बाकी तो चाहिए ही आपको पता है आर्केड टॉम मुझे, है ना। तो बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जो नया गेम लाने वाला वो भी सेम रिलेटेड है, तो मिलते हैं उस गेम की वीडियो में, बाय बाय।